हाय दोस्तों, आज बनाएंगे फली की सब्ज़ी। फली की सब्ज़ी यानी यह है राजमा की सब्ज़ी, राजमा की फली की सब्ज़ी। तो उसके लिए तेल गरम किया, जीरा डाला, प्याज और हरी मिर्च डाली। इसको थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम क्या करेंगे, तो जब हल्की थोड़ी सी भुन जाएगी उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। और दो तीन चीज़ों से बनने वाली अच्छी सी सब्ज़ी है और बच्चे इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। और ये हेल्दी भी होती है खाने के लिए, क्योंकि कम मसाले वाली होती है और इसमें ये टमाटर और प्याज होती है। और इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। बेसिक मसाले जो घर में होते हैं, जो हर सब्ज़ी में डाले जाते हैं, वही डालेंगे। स्वाद के अनुसार ही नमक डालेंगे। दोस्तों, बहुत इजी तरीके की रेसिपीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब मैंने सब मसाले डाल दिए हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं घर में जो होते हैं। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको देखिए मैं किस प्रकार भून रही हूँ। इसमें हल्का पानी डालेंगे, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा और भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम फली जो काट रखी थी हमने, वो राजमा की फली है, तो हम उसको डाल देंगे। और उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसी मसाले में ही इसको पका के तैयार करेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट इसको पकाना है और सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी मैंने काट ली थी और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा उबाल भी सकती हैं, जैसे मैंने की हुई है। हल्की सी उबाल दिया हुआ है, काटने के बाद थोड़ा उबाल सा दे दो हल्का सा, और उसके बाद इसको छोक दो। तो 2-3 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोगों को मैं बताऊँ, और बिना कोई मेहनत के ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है। और जब भी आपको हेल्दी खानी हो सब्ज़ी, तो इस प्रकार की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो ढक के इसको 5 मिनट के लिए पकाएं और ये बन के रेडी हो गई है सब्ज़ी। ये देखें, ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ये देखो जी भाई, ऐसे सब्ज़ी रेसिपी से आप लोगों के लिए लाती रहूँगी मैं।